प्रणाम योगियों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं योगा लोकेश। आज हम उन आसनों की बात करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी आसन हैं। जिन आसन की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस बहुत जल्दी मिलेंगे और नोटिफिकेशन भी आपको नए वीडियोस की मिलेगी। तो आइए चलिए हम देखते हैं आसनों के बारे में, कौन से आसन हम समझेंगे, उन आसन को हम समझते हैं, आसनों की हर एक विधा को हम समझेंगे, उनके लाभ क्या है, उनके नुकसान क्या है, वो शरीर पर किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से कार्य नहीं करेंगे, वो सारा कुछ हम उसमें देखेंगे। तो एक नए प्लेस पर आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर वीडियोस आप देखेंगे, आसन को आप समझेंगे। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हरिओम। तो हम देखते हैं शलभासन। शलभासन जो है एक पेट के बल लेट कर किए जाने वाला आसन है और शलभासन मणिपुर चक्र की शक्ति के साथ साथ स्वाधिष्ठान चक्र की शक्ति को जागृत करता है और बैक स्ट्रेंथनिंग का काम करता है, आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है। शलभासन साथ ही साथ पित्त दोष को दूर करने में भी सहायक है। तो हम ये देखते हैं कि इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे। शलभासन जो है, किसी को अगर क्रॉनिक बैक पेन है तो उन्हें शलभासन नहीं करने देना है, प्रेगनेंसी में शलभासन नहीं करेंगे, किसी भी तरह का क्रॉनिक बैक पेन है तब नहीं करेंगे, वो चाहे स्लिप डिस्क का हो, साइटिका का हो, किसी भी तरह का। लेकिन साइटिका में ये काफ़ी हेल्दी आसन है, पर हमें अंडर सुपरविजन में इस आसन को करना होगा, इस बात का हमने अच्छे से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि शलभासन हाई बीपी वालों को नहीं करना है। अब शलभासन के प्रिकॉशंस तो ये हो गए हैं, शलभासन के प्रिकॉशंस के साथ हम बेनिफिट देखते हैं। जब हम शलभासन में दोनों ही पैरों को उठाते हैं तो शलभासन हमारी बैक को स्ट्रेंथ देता है, मतलब कि लंबर एरिया को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, जिससे हमारा लंबर एरिया हेल्दी होने के साथ साथ मसल्स, बैक मसल्स सारे काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं। स्ट्रोंग होने के साथ साथ हमारी बैक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, बटक्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, साथ ही साथ ग्रोइन मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, डाइजेशन में हमारी कोर मसल्स पूरे वेट को संभालने का काम सपोर्टिव फॉर्म में करती है, तो कोर मसल्स को भी काफ़ी हेल्थ इससे मिलती है, डाइजेशन आपका इम्प्रूव होता है। और हम ये देखते हैं कि शलभासन जो है वो आपकी नर्व सिस्टम को एक्टिव करता है लंबर एरिया का। और आप ये देखते हैं कि यह आसन जो है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आसन है, जिससे हमारी स्पाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल इससे होती है। तो हम ये देखते हैं कि शलभासन जो है एक तरह से आपकी ब्रेथ के साथ इसको रोक के रखना होता है, कि शलभासन में अगर आपकी ब्रेथ एक स्मूथ फॉर्म में चल रही है तो शलभासन भी आप एक स्मूथ फॉर्म में बनाए हुए रख पाते हैं। तो ये हमारे पास है शलभासन। अब हम ये देखते हैं कि शलभासन हम कैसे करें। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो पेट के बल लेट कर किए जाने वाला आसन है, तो आपको पेट के बल लेट जाना है। तो इस तरह से जो है आप पेट के बल लेट जाएंगे, माथा ऐसे जमीन पर रखेंगे, दोनों पैरों को ऐसे मिलाकर रखेंगे, दोनों हाथ शरीर के पास में ऐसे रखेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ। तो इस तरह से आप जो है आसन में रहेंगे। फिर आप जब शलभासन करेंगे तो हमने क्या करना है, दोनों हाथ की मुट्ठियां ऐसे बनानी है और अंडर द ग्रोइन ऐसे रखनी है। इस तरह से हमने दोनों मुट्ठियां रख ली। फिर हमारे पास आएगा तो हम चिन को इस तरह से रखेंगे, ये चिन को रख ली। अब दोनों ही पैरों को एक साथ हमको उठाना है, धीरे से श्वास लेना और दोनों ही पैरों को हमने उठाया। अब नीज को बैंड नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, और जितना आप उठा पाए उतना ही उठाना है। कुछ समय यही रोकने के बाद हम धीरे से वापस आ जाएंगे रिटर्न, कुछ समय यही रुकना है।
कम से कम 20 सेकंड हमें रोक के रखना है, फिर वापस आएंगे माथा जमीन पर, दोनों हाथ इस तरह से निकालेंगे और मुट्ठियां हटा देंगे, हाथ शरीर के पास में, हथेली आसमान की। तो ये था हमारे पास में शलभासन। शलभासन करने के बाद हम जो है ये समझते हैं कि अभी आपने देखा कि शलभासन हमने किया तो बैक को कितना कितना ज्यादा जो है दोनों पैरों का वेट उठाना पड़ा, तो हमारे लंबर रीजन में काफी इससे स्ट्रेंथ हमारे लंबर रीजन में बढ़ती है। तो ये था हमारे पास में शलभासन।